ये रहा डबल बटर कुल्फी आलमंड रोस्टेड आलमंड के साथ। कभी नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं कितना तक होता है। चलो लाइट मिलेगा नहीं और क्या फिजिक है इसका नहीं काटेगा। क्यूट तो ये बंदर जैसे क्या उड़ रहा है। हेल्थ कॉन्शियस अंकल दौड़ रहा है कि चल रहा है पता नहीं चल रहा, फिर भी कुछ एक्टिविटी तो कर रहा है। वेल फिर से एक ही दिन है, दो दो जगह। अभी मैं हूँ जुहू चौपाटी के उधर। क्या बोलूँ यार, एक चीज बोलना चाहूँगा आप, यस उधर जितना शांत था आपका गिरगांव चौपाटी में, यहाँ उतना ही क्राउड है, बहुत क्राउड है। अभी 7 बजने आया है, यहाँ 7 बजे इतना क्राउड है। देखो जिन लोगों को शांत जगह पसंद है गिरगांव जा सकते हो, और जिन लोगों को क्राउडेड पसंद है यहाँ पे आ सकते हो। बेसिकली मुझे शांत जगह ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो ज़्यादा साफ़ सुथरा भी था। क्या कर सकते हैं हम ही लोग, तो करते हैं सब, हम इंसान ही तो गंदा करते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, कुछ कुछ शॉप ऑनर हम लोगों को वीडियो करने अलाउ नहीं किया, तो हम लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने अलाउ किया उस जगह पे किया, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं उनका। जो जो वहाँ पे खाया वही सब चीज़ें होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा रीज़नेबल प्राइस में नहीं होगा। नॉर्मली मुंबई स्ट्रीट फूड में जितने कम पैसे में मिलता है उतना कम पैसे में यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि एक बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, इस लोकेशन का प्राइस है, इसका खाने का प्राइस नहीं। पता है थोड़ा ग्रेन आ रहा है क्योंकि चारों ओर जो LED लाइट यूज हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज्ड है पूरा मेरे चारों ओर, लेकिन हवा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम वही है, चारों ओर से घिरा हुआ है लेकिन ऑर्गेनाइज अच्छा। हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो गए कहाँ से खाए। कर से दे रहा हूँ, मेरे पर्स में 60 रुपया माइनस। पहले पहले तंदूरी पोटेटो, इससे पहले भी मैंने कोलकाता में ये खाया था, तब 25 रुपये का था, अभी ये 80 रुपीज़ में। हाँ पहली बोला इस लोकेशन और व्यू का पैसा है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मसाले और ये जो सॉस यूज़ किया पेरी पेरी, मेरा वाला तंदूर है, पेरी पेरी तंदूरी अंचीज, सॉस लाजवाब है सच में, ये तंदूर सॉस बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक थार से पूरा पावभाजी वो आपके बड़ा अच्छा, ट्राई कर सकते हो पावभाजी यहाँ का अच्छा ही होता है, लेकिन मैं कुछ हट के ट्राई करना चाहता हूँ, ये वाला ठीक लगा मुझे, नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्राई कर सकते हैं, बट ये वाला अच्छा है। तो ये है मुंबई की शेप पूरी, जिसमें बारीक शेप भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है, और पूरी का लापता है, छोटी छोटी है बट ठीक है मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से। तो ये उठी एक छोटी सी शेप पूरी, आलू प्याज चटनी धनिया और शेप पूरी क्रिस्पी है बहुत, इतने वाटरी वेदर में रहने के बावजूद भी क्रिस्पी है, तीखा है, चटनी बहुत अच्छा है और धनिया का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से उतर रहा है, ऑल टुगेदर गुड।
बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला था ना डेजर्ट बहुत अच्छा है मुंबई में, बाकी जो चपाटी का है गिरगांव प्लस जुहू दोनों में 19-20 थोड़ा बहुत ऐड ऑन इसमें, लेकिन वैरायटी बहुत है खाने का और बाकी सब एक ही टाइप के है, तो मैंने जो अलग लगा थोड़ा ट्राई किया और बाकी मुझे ये बहुत अच्छा लगा था फिर से ले लिया क्योंकि मुझे प्यास भी लगा था। ये ऑरेंज में है तो वीडियो यहीं पर रखते, आज का वीडियो यहीं तक था, आज का वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी आप लोग चाहो कर सकते हैं आपके ऊपर है, बट मैंने वीडियो एंजॉय किया और बहुत खाया दोनों चपाटी में बहुत खाया और नहीं हो रहा है, तो चलिए घर चलते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।